गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, माय सेल्फ निदेश पाटिल एंड सेंट्रल पब्लिक स्कूल। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आंदोलन के दो मुख्य प्रकार हैं, वो क्या हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आंदोलन के जो मुख्य दो प्रकार हैं वो है, पहला नियमित आंदोलन और दूसरा अनियमित आंदोलन। आंदोलन आप समझ ही गए हैं कि कंपन को आंदोलन कहते हैं, तो नियमित आंदोलन और अनियमित आंदोलन। पहला है नियमित आंदोलन। नियमित आंदोलन क्या है? जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में रहती है तो उसे नियमित आंदोलन कहते हैं। ठीक है, जब किसी ध्वनि को की आंदोलन एक रफ्तार में होती है तो उसे नियमित आंदोलन कहते हैं। जैसे कोई भी ध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है और एक रफ्तार में वो कंपन हो रहा है, वो बज रहा है, तो वो जो रफ्तार है जो एक समान है तो वो नियमित आंदोलन के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्द में यदि इसको हम व्याख्या करें तो कहा जाए तो जब किसी ध्वनि की आंदोलन संख्या प्रत्येक सेकेंड में समान रहती है, यानी एकदम एक बराबर जैसा तो हो, तो उसे नियमित आंदोलन कहेंगे। और अनियमित आंदोलन क्या है? दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अनियमित आंदोलन। तो अनियमित आंदोलन जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में नहीं रहता तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब किसी ध्वनि की आंदोलन बदलती रहती है तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। जैसे कोई ध्वनि ऊपर नीचे, थोड़ा कम सुनाई दे, थोड़ा ज़्यादा सुनाई दे, अचानक इस तरह का जो प्रतिक्रिया होती है तो वो क्या है? अनियमित आंदोलन के अंतर्गत आती है। अब है हमारा नेक्स्ट कि संगीत में नाद क्या है। जो हम संगीत में नाद किसके किसको कहेंगे? वैसे तो आप लोग नाद वो गाय वाले नाद को ना समझ बैठना, यहाँ संगीत का नाद दूसरे प्रकार के। तो क्या है संगीत में नाद क्या है? तो नियमित और स्थिर आंदोलन, जो नियमित और स्थिर आंदोलन है की संख्या वाली मधुर ध्वनि को हम नाद कहेंगे। ठीक है, नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहेंगे। दूसरे शब्दों में संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, जो संगीत के उपयोग में आते हैं, है ना, जो संगीत के उपयोग में आते हैं ध्वनि, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। संगीत में इसी ध्वनि का उपयोग होता है। हाँ बच्चों, जो भी ध्वनि हम कहते हैं, बोलते हैं और गाते बजाते हैं तो उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो मधुर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही संगीत के काम आते हैं। तो संगीत में इसी ध्वनि का हम प्रयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गायन जो शैली है वो कितना महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी प्रकार के गाने को आप सरल न समझें, उनमें स्थिरता, नियमितता ये सभी होना का आवश्यक होता है। तो ये था हमारा संगीत के वर्णन की व्याख्या में कुछ विचार, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ले चलूँगा। तब तक के लिए इतना ही, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।